नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। गौर करने वाली बात यह है कि आदि पुरुष का बजट भी तकरीबन इतना ही था। अब सोशल मीडिया पर लोग आदि पुरुष के मेकर्स का मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेकर्स ने जितना पैसा एक खराब फिल्म बनाने में लगाया, उतने पैसे में तो चांद पर जाया जा सकता था। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट हॉलीवुड फिल्म बजट से भी कम है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इसके साथ ही भारत सबसे कम खर्च में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 का चांद पर कदम रखते ही सोशल मीडिया पर आदि पुरुष ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा, बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म पर 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि इसी अमाउंट में इसरो चांद तक पहुंच गया। चंद्रयान 3 मिशन ने यह साबित कर दिया कि हमें इतने पैसे देश के उत्थान में लगाने चाहिए, न कि आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने में नुकसान करने चाहिए। एक यूजर ने लिखा, अगर इतने रुपए भगवान के नाम पर इसरो को दे दिए रहते तो भी चल जाता। जाहिर है कि आदि पुरुष भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म को बनाने में 2 साल लगे। VFX में बदलाव की वजह से इसकी रिलीज में देरी भी हुई। फिल्म का बजट शुरुआती दौर में 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा था, लेकिन VFX में बदलाव करने के लिए इसके बजट को थोड़ा और बढ़ाया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।